अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वॉचिंग जेबी टेक। तो Xiaomi बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रहा है Mi 10T सीरीज के स्मार्टफोन, जिसके अंदर हमें Mi 10T, Mi 10T प्रो और एक एक्सपेक्टेड ये भी है कि Mi 10T लाइट भी देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा Mi 10T के बारे में और Mi 10T प्रो के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पे बैक कैमरा पे जो मेन सेंसर है उसका डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है, इसको कब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा और इसकी जो प्राइस रेंज है वो क्या होने वाली है। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके लॉन्च डेट की। तो Xiaomi जो Mi 10T सीरीज है इसको नवंबर की जो 10-12 तारीख है इससे पहले पहले ही हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको Mi 10T और 10T प्रो दोनों ही देखने को मिलेंगे और 80-90% चांसेस हैं कि Mi 10T लाइट भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की Mi 10T की। तो इसकी प्राइस हमें राउंड अबाउट कोई 70,000 से 75,000 के करीब कहीं पे देखने को मिलेगी। और Mi 10T प्रो की बात कर लीजिए उसकी प्राइस की, तो उसकी प्राइस हमें 80,000 या 85,000 के करीब कहीं पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लीजिए फ़ोन के ओवरव्यू की। यहाँ पे डिज़ाइन बैक साइड पे देखने को मिलेगा, ग्लॉसी लुक देखने को मिलेगी, आपके जो स्मजेस हैं आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उस पर काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है और बैक साइड पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे लेफ्ट साइड पर ही हमें Mi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर हमें पंच होल देखने को मिलेगा इसके लेफ्ट साइड पर। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एक IPS LCD डिस्प्ले है और इसकी जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी फुल एच डी प्लस की देखने को मिलती हैं, यानी कि 1080p x 2400 pixels की। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी पिक्सल डेंसिटी की, तो इसके अंदर हमें 409 PPI की पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात कर लीजिए इसके मेन हाइलाइटिंग फीचर की, वो है इसका रिफ्रेश रेट। इसके अंदर हमें 144Hz का जो रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, वो देखने को मिलेगा। तो आपके जो स्क्रोलिंग वगैरह है, स्मूथनेस है, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। आपको जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा फ्रंट साइड पे हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है और जो ब्राइटनेस निट्स है वो भी 650 तक हमें मैक्सिमम के देखने को मिलते हैं। तो आपको इसके अंदर डे लाइट में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, या आपके जो इजीली विजिबल है आप इसको देख सकते हैं डे लाइट के अंदर भी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ हमें जो 33W की फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग 33W रखी गई है जो कि अच्छी है, लेकिन अगर इसको 65W या 60W के करीब कहीं पे रखा जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल ये बैटरी वाली साइड से भी हमें ठीक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो कि है स्नैपड्रैगन का 865। और इसके साथ जो GPU है वो हमें एंड्रॉइड 650 का देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है, आपको जो गेमिंग वगैरह है हाई सेटिंग पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मल्टीटास्किंग वगैरह उसके अंदर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप कोई भी गेम रन कर सकते हैं हाई सेटिंग पे। आप इसके अंदर हाई सेटिंग पर कोई पावर यूज़र हो उसके लिए स्मार्टफोन बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए इसके वेरियंट की, तो हमें जो वेरियंट है वो फिलहाल एक ही देखने को मिलेगा जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो भी UFS 3.1 की देखने को मिलती है जो कि काफ़ी फास्ट है। इसके अलावा रैम भी हमें इसके अंदर जो LPDDR5 है वो देखने को मिलेगी। तो जो रैम मैनेजमेंट वगैरह है, रिसेंट टास्क वगैरह हैं आपके रैम के अंदर ही रहेंगे, वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। आप इसको रिसेंट ऐप से दोबारा ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके एंड्रॉयड की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमराज की, तो फ्रंट साइड पे हमें जो पंच होल है उसके अंदर 20MP का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा और जो बैक साइड है वहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 64MP का देखने को मिलेगा Mi 10T के अंदर। और जो Mi 10T प्रो है उसके अंदर हमें 108MP का देखने को मिलता है। तो यही डिफरेंस हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकंड लेंस हमें जो देखने को मिलता है वो 13MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और जो थर्ड लेंस है वो 5MP का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे फोर्थ कैमरा भी लगाया गया है, वो उसको आप डमी समझ सकते हैं। इसके अंदर जो मेन सेंसर्स हैं
वो 3 ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 8K की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग 24 फ्रेम्स और 30 फ्रेम्स पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा 4K 60fps की सपोर्ट भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो कैमराज इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है, आपके इसके अंदर जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप बात कर लीजिए फोन की थिकनेस की, तो ये हमें 9.38 mm जो थिकनेस है इसकी वो देखने को मिलेगी। और इसका जो वेट है वो हमें 216 ग्राम का कहीं पे देखने को मिलता है। इसके अंदर 5000 बैटरी है तो ये थिक भी ज़्यादा देखने को मिलता है और थोड़ा हैवी भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कलर्स की बात कर लीजिए तो इसके हमें 2 कलर्स देखने को मिलेंगे। एक हमें कॉस्मिक ब्लैक देखने को मिलेगा और जो सेकंड कलर है वो हमें लूनर सिल्वर देखने को मिलता है। और दोनों ही कलर्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर ली जाए तो हमें पावर बटन के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफ़ी फास्ट है। तो ये हो गए कंप्लीट फीचर्स वगैरह Mi 10T के और 10T Pro के। अब यहाँ पे बात कर लीजिए मेरे रिकमेंडेशंस की, क्या आप इसको वेट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको वेट कर सकते हैं अगर आपकी प्राइस रेंज है 70,000 से 75,000 के करीब। आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, कैमराज भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे और आपका जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी स्मूथ होने वाला है। तो आप इसका वेट कर सकते हैं, इसके अंदर हमें सारी ही चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, ये कैसा स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।